हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये लागू हो रही है, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप पर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे सामने एक समस्या आ गई, जैसे उन्होंने गांव की दो कहावतें बताई थी, हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। वन सेकेंड, घनश्याम तिवाड़ी जी सही बात नहीं बता रहे हैं, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरा ख्याल रख रहे हैं। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये बात कई सैकड़ों सालों पहले की है तिवाड़ी जी, हालात बदल गए हैं। ये लागू हो रही है, तो सभापति प्रोफेसर, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ पेंट ऑफ फीलिंग। ये सभापति महोदय तिवाड़ी जी पर इस बात का ध्यान रखिए, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है। अब आप पर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सभापति महोदय, मैं जब माननीय सुरजेवाला जी बोल रहे थे और उनके मुंह से लोकतंत्र की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा रस आ रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि एक बार नवीन चावला जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी थे उनको ही चुनाव आयुक्त बना दिया था और वो आज ये कह रहे हैं कि सरकार नियुक्त करने जा रही है। तो साहब इतना ये बात कर रहे हैं, फिर वो पार्टी लोकतंत्र की बात करे जो इमरजेंसी लगाई सारा काम किया, तो मैं वो लोकतंत्र की बात नहीं करूंगा, उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस बिल की ओर जा रहा हूं और माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने दो बातों की चर्चा की, उन्होंने संविधान सभा की चर्चा की, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा की। पहले तो मैं संविधान सभा के बारे में बताना चाहूँगा कि संविधान सभा ने ECI की नियुक्ति व्यवस्था को संसद के विवेक पर छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव का सारा सिस्टम वो कार्यपालिका के हाथ में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद इसके लिए कानून बनाए। अरे संसद के विवेक पर है, इसलिए मैं आपकी उस बात की तायद करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपने जो कहा कि संसद ही सर्वोपरि है, न तो कोई न्यायालय न कोई और, इसलिए सर्वोपरि संसद के रूप में ये कानून लेकर हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल लेकर आए हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया, अब वो पुराने वो हमारे पूज्य हैं और फाउंडर मेंबर हैं, और अब उनके बाद में साहब अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी कानून मंत्री बना है तो वो अर्जुन राम मेघवाल है। तो साहब अब जब आप उनकी चर्चा करते हो तो अर्जुन राम जी मेघवाल की भी चर्चा करो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो विधेयक है उसका कारण क्या है। साहब हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदत पड़ गई है विपक्ष की, और इसके कारण से जिस सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्णय कर रहे थे, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सरकार की हर बात को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी।